हेलो दोस्तों, मेरे चैनल वारिधि मंथन में आपका स्वागत है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड में पता नहीं आजकल क्या हो रहा है। हाल ही में जूनियर महमूद की मौत की खबर ने सबको चौंका कर रख दिया था और अब एक युवा एक्टर श्रेयस तलपड़े के बारे में एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। जी हाँ, आपका पसंदीदा अभिनेता श्रेयस तलपड़े इस समय आईसीयू में एडमिट हैं। श्रेयस तलपड़े को आईसीयू में क्यों रखना पड़ा, उनके साथ आखिर क्या हुआ, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, श्रेयस तलपड़े जैसे एक्टर को भला कौन नहीं जानता है। उनकी एक्टिंग की तो लोग तारीफ करते नहीं थकते। सिर्फ एक्टिंग ही क्या, पुष्पा फिल्म में अल्लू अर्जुन की हिंदी में जो आवाज आप सुनते हैं उसे भी श्रेयस तलपड़े ने ही डब किया है। जी हाँ, ये सच है कि पुष्पा फिल्म में अल्लू अर्जुन की आवाज को हिंदी में डब करने वाले कोई और नहीं बल्कि श्रेयस तलपड़े ही हैं। मगर आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ 47 साल की उम्र में एकदम फिट नजर आने वाले इस अभिनेता को आखिर हो क्या गया जो वो इस समय आईसीयू में भर्ती हैं। आइए उनके दर्दनाक हाल का सच हम आपको बताते हैं। दोस्तों, 14 दिसंबर की बात है, अक्षय कुमार के साथ श्रेयस तलपड़े शूटिंग कर रहे थे। वो वेलकम टू जंगल नाम की एक फिल्म का हिस्सा है और अभी इसकी शूटिंग चल रही है। पूरे दिन उन्होंने शूटिंग की, एक्शन सीन्स भी दिए। इसके साथ ही साथी कलाकारों के साथ वो सेट पर हंसी मजाक करते हुए भी दिखते थे। शाम को शूटिंग खत्म हो जाने के बाद ये घर के लिए रवाना हो गए, लेकिन शाम से ही इन्हें कुछ बेचैनी सी होने लगी। पहले तो उन्हें लगा कि शूटिंग की थकावट की वजह से ऐसा हो रहा है और धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। हालत धीरे धीरे और बिगड़ने लगी तो इन्हें शक हुआ। श्रेयस ने अपनी पत्नी को अपनी बेचैनी के बारे में बताया। पत्नी ने बिना वक्त गवाए इन्हें कार में बिठाया और अस्पताल के लिए रवाना हो गईं। इसी बीच रास्ते में अभिनेता की हालत और बिगड़ गई और ये बेहोश हो गए। बड़ी मुश्किल से इनकी पत्नी इन्हें अंधेरी पश्चिम के एक अस्पताल बेलेवियो में लेकर पहुंची। वहां जब इमरजेंसी में जरूरी जांचें हुई तो सब हैरान हो गए। उनको हार्ट अटैक आया था। सिर्फ 47 साल की उम्र के इस फिट अभिनेता को हार्ट अटैक आ जाएगा, ऐसी बात तो किसी ने सोची भी नहीं थी। उनकी हालत गंभीर होती जा रही थी। डॉक्टरों ने श्रेयस की जान बचाने के लिए फौरन सर्जरी करने का फैसला कर लिया। अभिनेता की जान बचाने के लिए फौरन एंजियोप्लास्टी की गई ताकि हार्ट ब्लॉकेज को खोला जा सके। उनकी सर्जरी तो हो चुकी है, लेकिन अब भी श्रेयस तलपड़े अस्पताल में ही एडमिट हैं। डॉक्टरों ने उनको आईसीयू में रखने का ही फैसला किया है। 3 दिन तक उनकी हालत पर निगरानी रखी जाएगी, इसके बाद ही कुछ फैसला किया जाएगा। वैसे श्रेयस की पत्नी दीप्ति अपने पति की हालत ठीक बता रही हैं। उनका कहना है कि श्रेयस अभी कुछ दिनों तक अस्पताल में ही रहेंगे। दोस्तों, श्रेयस तलपड़े का जन्म 27 जनवरी 1976 को मुंबई में ही हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत मराठी सीरियलों से की थी। इसके बाद वो दूरदर्शन के शोज करने लगे। बॉलीवुड में उनकी पहचान साल 2005 में बनी, जब इकबाल फिल्म में श्रेयस तलपड़े ने एक मूक बधिर क्रिकेटर का रोल प्ले किया था। दोस्तों, इस फिल्म के लिए श्रेयस तलपड़े को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। इसके बाद अपना सपना मनी मनी में अर्जुन फर्नांडिस बनकर दर्शकों का दिल जीता। लेकिन एक फिल्म में तो श्रेयस तलपड़े ने सबको चौंका कर ही रख दिया था। ये फिल्म साल 2006 में आई थी और इसका नाम था डूर। इस फिल्म में बहरूपिये का इतना शानदार रोल इन्होंने प्ले किया था कि तमाम कॉमेडियंस को पीछे छोड़ते हुए इन्हें बेस्ट कॉमेडियन का खिताब मिल गया था। श्रेयस तलपड़े ने ओम शांति ओम, वेलकम टू सज्जनपुर, गोलमाल रिटर्न्स, हाउसफुल 2, ग्रेट ग्रैंड मस्ती जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई हैं। दोस्तों, हमारा चैनल वारिधि मंथन श्रेयस तलपड़े के जल्दी स्वस्थ हो जाने की कामना करता है। आपसे भी अनुरोध है कि इनकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ श्रेयस तलपड़े आपको कैसे लगते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आप इसी तरह की जानकारी हमेशा पाना चाहते हैं और हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही अनसुनी कहानियां हम हमेशा आपके लिए लाते रहें।